और खबर आपको श्रावस्ती जिले से बता दे, जहां से एक लड़का लुधियाना गया हुआ था और जालंधर रेलवे स्टेशन पर उसकी ट्रेन छूट गई और ये लड़का अपने परिवार वालों से बिछड़ गया। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस लड़के का कहीं से कोई सुराग नहीं लगा है। इनके घर पर इनके माता पिता का रो रो कर के बुरा हाल है। इनके माता पिता इतने दुखी हैं कि जब से लड़का गायब हुआ है इनके घर पर अभी तक खाना नहीं बना है। तो श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली अंतर्गत सिमरी चौराहा के पास में नवस्ता केवलपुर गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला ये लड़का जिसका नाम ओम प्रकाश है और इसकी उम्र करीब 17 साल है, इनके पिता का नाम नारायण है। ये लड़का 16/6/2023 को सुबह 8 बजे जालंधर लुधियाना स्टेशन से लापता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल लुधियाना पंजाब में रहने वाले अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है, दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस लड़के को ढूंढने में आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें। इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये लड़का थोड़ा सा मंदबुद्धि भी है। इनके परिवार वालों का नंबर हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। यदि आप लोग इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी रखते हो, अगर आपको लड़का कहीं भी दिखाई देता हो लुधियाना में, जालंधर में, अमृतसर में, कहीं भी आसपास के इलाके में, तो आप लोग कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर सूचना देने का कष्ट करें। एक बार फिर से आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद का भिनगा कोतवाली लगता है, सिमरी चौराहा से 2-3 किलोमीटर आगे खरगोरा की तरफ आप जाने लगेंगे तो वहाँ पर एक नौबस्ता केवलपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर ये परिवार रहता है। इनका 17-18 साल का लड़का पहली बार प्रदेश गया था और पहली बार में ही गायब हो गया, जिसके बाद इनके माता पिता का रो रो कर के बुरा हाल है। इनके माता पिता हाथ जोड़ करके आप लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर के जितने भी लड़के लुधियाना अमृतसर जालंधर रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, आप लोग इस बच्चे की तस्वीर को गौर से देख लीजिए। आप लोग जो है इस बच्चे को ढूंढने में इस परिवार की मदद करें। आइए संबंध में इनके परिवार वालों से बात करते हैं कि लड़का कैसे गायब हुआ। सब कोई ढूंढ के हमारे बच्चा को हमारे सामने कह दे, बहुत परेशान हैं उनके कत्ते सरकार से ना। क्या नाम है जी आपका? राम स्नेही है जी। राम स्नेही जी, आपके गांव से एक लड़का आप लोग बता रहे हैं कि जालंधर गया था जी और वहां से गायब हो गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़के का नाम क्या है? उसका ओम प्रकाश। अच्छा, उसके पिताजी का क्या नाम है? उनका नाम है नारायण। तो क्या ये पहली बार मतलब लुधियाना गया था? जी पहली बार। इससे पहले नहीं गया? नहीं गया। तो वहाँ लुधियाना में जो लोग उसके साथ थे जी, क्या घटना घटी उसके साथ, वो लड़का कैसे गायब हुआ, पूरा डिटेल से बताओ जी। वो सब लोग सो रहे थे तो उनके लोग की जब आँख लग गई। सो रहे थे? ट्रेन में। ट्रेन में सो रहे थे जी। ठीक, ट्रेन में जब सो रहे थे तो इनको लोग की जब गाड़ी रुकी तो इन लोग जागे। तो जब ये लड़का प्यासा था और ओम प्रकाश जब ये पानी पी के देखना नल, तो इसका टोटी थोड़ा बोगी से इसका दूरी पे था तो ये उतर के गया। जब वो भरने लगा तब तक ट्रेन छूट गई, तो वहाँ से ट्रेन ये पकड़ने की कोशिश किया मगर वो पकड़ नहीं पाया। ये जो लड़का गायब हुआ ओम प्रकाश, अच्छा। वो ट्रेन पकड़ नहीं पाया और ये भागते भागते यानी पता नहीं कहाँ चला गया, ये मिल नहीं पा रहा है। जो दो लोग साथ में गए थे वो मिले आपको? उन्होंने क्या बताया आपसे? जी उनसे बात हुई तो बता रहे थे कि पानी भरने गए थे, वहीं से हमारा उनका साथ छूट गया। किस स्टेशन पर गायब हुआ है? ये स्टेशन हुआ है अमृतसर और जालंधर है, जालंधर ये क्या नाम छावनी, जालंधर छावनी से गायब हुआ जी। अच्छा, तो हमारे यहाँ श्रावस्ती बलरामपुर बहराइच के बहुत सारे लड़के वहाँ लुधियाना में जालंधर में रहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? उनसे यही अनुरोध है कि हाथ जोड़ का कि जो कोई पता पाए इसका वो यहाँ पे सूचित करें, जो उनको है हो सकेगा हमारे पास उनको उचित नाम दिया जाएगा। अच्छा, ये ओम प्रकाश कितने भाई बहन हैं? ये 2-3 भाई हैं और एक बहन है। अच्छा, तो ये इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी उम्र वही मान के चलिए 17-18 साल की है। तो 17-18 साल का लड़का मान लो गायब हो जाता है, अगर कहीं पंजाब लुधियाना कहीं भर अगर किसी को मिलता है जी, तो कोई उससे पूछेगा कि तुम कहाँ से आए हो तो बता ले जाएगा कि मैं श्रावस्ती जी हो रहता हूँ? जी वो बता ले जाएगा कि हम श्रावस्ती के हैं और भिनगा हमारा थाना लगता है और हम ग्राम केवलपुर के हैं रहने वाले निवासी। मोबाइल वगैरह इसके पास नहीं है? जी नहीं है। जो उसके साथ में बैग था वो बैग उसका आधार कार्ड और उसको नंबर था वो बैग में ही छूट गया और ट्रेन में ही वो खाली बोतल का पानी लेकर उतरा था। मिलते तो क्या यार करने वाले हैं आप? अभी आपके गांव वाले बता रहे थे कि आप भी यहां से जालंधर जा रहे हैं ढूंढने के लिए जाएंगे? हाँ, ढूंढने जाएंगे हम सब यार, तो नहीं पावत है। अच्छा, कितने हाँ लड़के हैं आपके? 3 लड़के साहब हैं, एक बेटिया है। जो लड़का वहाँ जालंधर में गायब हुआ स्टेशन पर, वो सबसे बड़ा लड़का है? सबसे बड़ा लड़का है। क्या कुछ पहचान वगैरह आप जानते हैं कि क्या कपड़ा पहने हुए हैं?
वो टी शर्ट पहिया जाना नीले बनिया पहले नीला बनिया हरिया बनिया पहले रंग वंग कैसा है सांवला गोरा गोरा है रंग गोरा है हाँ ठीक।